चलो आ जाओ हमारे सभी बायोलॉजिस्ट यंग डॉक्टर्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं 11th क्लास का प्रैक्टिकल मोनोकोट रूट की एनाटॉमी, जिसमें हम लोग आज मक्के की रूट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं एज पर एस सब टाइटल आपको ये रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है। हमारे पास में हमने रूट सैंपल लिया था, सैंपल लेने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा वॉच क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पास स्टेन के रूप में आज सेफ्रिनिन यूज़ करना है, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आपको ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो फॉलो करें। उसके बाद में अब हम ग्लिसरीन भी ले लेते हैं। देखिए ये मैं बहुत रैपिड फायर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और आप सभी भी एक्साइटेड होंगे कि यार कैसा होगा इंटरनल टिश्यूज। मैं जो दिखा रहा हूँ ये टोटल लाइव है, ये कोई परमानेंट स्लाइड नहीं है, ये प्रॉपर हमने TS लेके हमने बनाई है। और बच्चों को अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए हमारे पास में रूट सैंपल है, अब आप इसको कट करें, आपके पास में सर्जिकल ब्लेड है तो भी चलेगा, और आपके पास में जो दाढ़ी करने की जो सेविंग ब्लेड होती है ना, वो सेविंग ब्लेड भी आप ले सकते हो। ट्राई करें कि आपके जो आप स्लाइस लेने वाले हैं, जो आप TS लेने वाले हैं, वो एकदम पतला हो, क्योंकि जितना पतला आपका TS होगा ना, उतना बढ़िया से आपको जो उसका सारा इंटरनल टिश्यूज नज़र आने वाला है। तो हमने TS ले लिया है, हमारा TS भी थोड़ा थिक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो सेफ्रिनिन है उसमें उसको स्टेन करने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि वो स्टेन हो जाए। स्टेन कर दे ताकि इसके टिश्यूज हम इजीली विजिबलाइज कर सकें, उसको हम इजीली देख सकें, इसलिए इसको हम स्टेन करते हैं। तब तक ये स्टेन हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। स्लाइड में हमारे पास में जो हमने ग्लिसरीन लिया था उसकी एक ड्रॉप आप स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में रख लें, और अब जब आपका स्टेन हो जाए तब आप वो स्टेन लेने के बाद में आपका जो सैंपल है उसको दोबारा हम जो हमारा ग्लिसरीन की ड्रॉप है उसमें रख दें। रख दिया हमने, अब बारी है कवर स्लिप की। छोटी सी कांच की बहुत पतली स्लाइड होती है, इसे बोलते हैं हम ग्लास, कवर स्लिप कह सकते हैं। देखिए अगर आपका जो TS है वो ठीक है तो उसको आप हल्का सा प्रेस कर लें, बट ध्यान रखें वो टूटे ना। फाइनली हमारी स्लाइड जो है अब ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार है। अब आप अपना माइक्रोस्कोप तैयार करें, माइक्रोस्कोप पर लाइट सेट कर लें, 10x पे उसको लगा के सेट करें। लाइट सेट होने के बाद चलो हम ऑब्जर्व करते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है इसके इंटरनल साइड टिश्यूज देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप कोर एडजस्टमेंट की मदद से धीमे धीमे नीचे आएँ और आप ऑब्जर्व करें, आप 10x या 15x पे भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इनसाइड व्यू क्या है। वाव अमेजिंग, देखिए कितना शानदार आपको एक एक टिशू नज़र आ रहा है। आपको रूट की जो सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस आप देख पा रहे हैं, उसकी जो अपेंडिस हैं रूट हेयर्स भी आपको शायद एक जगह कॉर्नर में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये आपका एक कॉमन व्यू है, आप देख लीजिए। अब मैं पूरी स्लाइड को रोटेट करके दिखा रहा हूँ, इसके पूरे आउटर लेयर से लेके इंटरनल, इनके एपिडर्मल टिशू, ग्राउंड टिशू और वैस्कुलर टिशूज आप देख पा रहे हैं। अंदर जाइलम फ्लोएम भी कितना शानदार है। दोस्तों अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को भेजो यार, अपने स्कूल के मैम सर टीचर सबको शेयर करो, कोचिंग में सबको शेयर करो। एक एक आपको प्रैक्टिकल्स बहुत शानदार देखने वाला है, आपको दिखाने वाला हूँ, तो लाइक तो बनता है यार। थैंक यू। जय हिंद।